ठीक है। अब चलो फिल्मों के माध्यम से देख लो। तो प्यारे बच्चे, आपने उन लोगों ने करण अर्जुन फिल्म देखी है ना? बिल्कुल देखी होगी, बहुत ही प्यारी फिल्म है ना? तो अब इसके है ना 3 घंटे की जो फिल्म है उसको बिल्कुल छोटा बनाना है। कैसे बनाना है तो देखियो। सबसे पहले बेटा आप टाइटल देंगे, क्या देंगे? टाइटल। तो टाइटल में बेटा हमने क्या लिखा? करण अर्जुन। क्या लिखा? करण अर्जुन, ठीक है ना? फिर हमने दे दिया बेटा, ये तो टाइटल हो गया, ये टाइटल दे दिया। फिर हमने दे दिया बेटा सब टाइटल। क्या दे दिया? सब टाइटल। सब टाइटल में हमने क्या लिख दिया कि भाई जो आपकी कहानी है वो 3 भागों में बटी हुई है, एक गांव की, एक है ना पुनर्जन्म की, और एक बदला लेने की। तो आपकी जो गांव की स्टोरी है पहले तो आप उसे आधार बनाए। तो गांव की स्टोरी के लिए का द स्टोरी ऑफ विलेज, यानी कि गांव की कहानी। इस गांव की कहानी में आपको क्या मिलता है? क्या मिलता है? पहला पॉइंट यानी 1.1 अपन क्या कर सकते हैं? लव अमंग मदर एंड हर सन्स। प्यार जो होता है माँ और उनके बच्चों के बीच में दिखाया गया है। गाना सुना होगा, ये बंधन तो प्यार का बंधन है ना? इसी प्रकार से 1.2 अपन क्या क्या बता सकते हैं कि भाई ये प्रेम है ना ठाकुर दुर्जन सिंह से नहीं देखा गया और उनकी हत्या करवा दी। तो क्या बनाएंगे भाई दूसरा पॉइंट? मर्डर्ड बाई दुर्जन सिंह। ठीक है, दुर्जन सिंह शॉर्टकट में लिख दिया है, पूरा नहीं करना है। अब फिर आप क्या करेंगे? फिर देंगे आप सब टाइटल। क्या देंगे? फिर से सब टाइटल दीजिए। क्या बताएंगे आप? रिबर्थ। रिबर्थ यानी कि फिर से उनका पुनर्जन्म होता है, होता है ना पुनर्जन्म? तो इसमें आप क्या बताएंगे? 2.1 है ना, मीट ईच अदर इन पार्टी। हमें पूरी कहानी नहीं बताना भाई, पूरी स्टोरी नहीं बताना, हमें मुख्य मुख्य पॉइंट छांटना है। तो वो दोनों कहाँ मिले थे? एक पार्टी में मिले थे। रीवर्थ यानी पुनर्जन्म, पुनर्जन्म तो हुआ तो बे अलग जिंदगी जी रहे, जी अलग जिंदगी जी रहे, लेकिन मिले कहाँ? पार्टी में। तब तो उन्हें पता चला कि हमारा पुनर्जन्म हुआ है। तो मीट ईच अदर इन अ पार्टी है ना। फिर 2.2 आपने पॉइंट बनाया तो उसमें क्या कर रहे हैं है ना? उनको पता चला कि वे दोनों भाई हैं। तो बोथ वर ब्रदर्स, दोनों भाई थे है ना। फिर अपन ने फिर से सब टाइटल डाला, फिर से सब टाइटल डाला। क्या सब टाइटल डाला भाई? अब अपन को लेना है बदला। बदला को बोलते हैं रिवेंज, ठीक है ना? तो किससे बदला लिया था भाई? ठाकुर दुर्जन सिंह से और उनके परिवार से, है ना? तो ये दोनों पॉइंट आप बना दीजिए तो यहां बन जाएंगे, है ना? अब इसमें जो कुछ भी आपके लिए ऐसे कठिन चीज होती है सो आइए इसको अच्छे से समझ करके देख लें। कोई ज्यादा कठिन नहीं होता है नोट मेकिंग बनाना। यहाँ पे भी हमने आपके लिए बता दिया कि भाई उनसे बदला लिया, उनके परिवार से और ठाकुर दुर्जन सिंह से। तो इस प्रकार से देखिए आप इतनी बड़ी कहानी को देखो, छोटे छोटे पॉइंटों में हमने डिवाइड कर दिया। ये होते हैं नोट मेकिंग, आपको पूरा पूरा नहीं करना, शॉर्टकट में करना, ठीक है? इसमें कोई भी परेशानी जाती है 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे आसानी से बन जाएगा। तो ये होता है आपका फॉर्मेट, इस फॉर्मेट के आधार पर हम ये बनाते हैं, ठीक है ना? और भी अच्छे से देख लें, एक और एग्जाम्पल हम आपको ओरल बता रहे हैं। जैसे मान के चलो आपके लिए आ गया पेड़ों से संबंधित, के भाई आपको पेड़ों से संबंधित कोई टॉपिक दे दिया है तो सबसे पहले आप क्या डालेंगे? टाइटल, ठीक है ना? तो ये आपने टाइटल लिया। फिर आप डालेंगे बेटा सब टाइटल। सब टाइटल जो आप यहाँ पे लिख रहे हैं बेटा इसी से संबंधित 1.1 और 1.2, ये दो बातें लिखना है। फिर आप है ना सब टाइटल लिखेंगे, सब टाइटल ये लिखा। फिर इसी से संबंध बेटा 1.2
2.1, 2.2 ये दो बातें लिखेंगे। फिर बेटा आप लिखेंगे क्या, सबटाइटल, ठीक है, ये लिखा। और फिर इससे संबंधित 3.1 या 3.2। और विशेष रूप से याद रखना बेटा एक चीज और इसमें आपको चलाना है, वो है एब्रिविएशन। ये चलाना है। तो ये भाई क्या चीज है, इसका मतलब होता है बेटा शॉर्ट फॉर्म में लिखना। क्या है, शॉर्ट फॉर्म में लिखना। कैसे, जैसे ये जो चीज आपको पता है उसके शॉर्ट फॉर्म आप बना लोगे। जैसे आपको पता है कि गवर्नमेंट जो है हम बार बार लिखते हैं, तो गवर्नमेंट का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, GOVT और डॉट लगा देते हैं, ठीक है ना। जैसे आपके लिए ट्रेडमार्क आ गया, ट्रेडमार्क, तो इसका है ना शॉर्ट फॉर्म क्या बना देते हैं, TM, ठीक है ना। और यदि जिसका पता ना हो उसके लिए क्या करें, है ना, जिसका हमें जैसे पता ना हो और हमें उसका बनाना है तो उसके लिए क्या करें, जैसे हमें आ गया बेटा एजुकेशन। अब यदि हमसे इसका नहीं बनता है तो आप याद रखें बेटा कि जितने भी इसमें है आपके स्वर हैं उनको हटा दें, जितने भी स्वर हैं उनको हटा दें। लेकिन पहला शब्द यदि स्वर से बना है तो उसको नहीं हटाना, ध्यान से सुन लेना। जैसे ये ई है तो ये पहला स्वर है, इसको तो आप लिखिए, ये आपका डी। अब ये आपका स्वर है, इसको छोड़ दे, फिर क्या आ गया, सी। फिर ये स्वर है, इसको छोड़ दे, क्या आ गया, टी। फिर ये आपके दोनों स्वर है, इनको छोड़ दे, क्या आ गया, एन। और यहाँ पे आप कर दे शॉर्ट फॉर्म, ये बिंदी, ठीक है। तो ये ऐसे आपके लिए कितने हैं, कम से कम चार बताने हैं, कम से कम चार, ठीक है। तो इसको कहते हैं एब्रिविएशन। तो ये भी लिखना अनिवार्य है, और वो भी यही इनके बीच में, इनके बीच में आप इनको यूज करें और ये यहाँ नीचे बताएं। ये आपकी बन गई पूरी की पूरी नोट मेकिंग, ठीक है। चलो अच्छा, ये क्या हमने आपके लिए ये लिख दिया है। अब इसके ऊपर मान के चलो हमें बनाना है नोट मेकिंग, तो देखो कैसे बनाते हैं। देखो बेटा, हाउ डस टेलीविजन अफेक्ट आवर लाइव्स, इट कैन इंक्रीज आवर नॉलेज ऑफ द आउटसाइड वर्ल्ड, मोर ओवर टेलीविजन बेनिफिट्स वेरी ओल्ड पीपल हु कांट ऑफन लीव द हाउस एज वेल एज पेशेंट एंड हॉस्पिटल्स। ऑन द अदर हैंड देयर आर सेवरल सीरियस डिसएडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन। पीपल वॉच टेलीविजन फॉर एन एवरेज ऑफ 6 hours और मोर अ डे। मैनी चिल्ड्रन स्टेयर एट अ टेलीविजन स्क्रीन फॉर मोर आवर्स each day then they do anything else including studying and sleeping। अब जैसे ये है, अब आप इसमें देख लीजिए बेटा, तो आपके लिए टेलीविजन दिया गया है, टेलीविजन इफेक्ट दिया गया है। तो अब इसमें आप देख रहे हो तो इसमें इंक्रीज अवर नॉलेज लिखा हुआ है, उसके बाद बेनिफिट लिखे हुए हैं। ऑन द अदर हैंड में यानी दूसरे रूम में देख रहे हैं तो क्या डिसएडवांटेजेस हैं, यानी कुछ फायदे और कुछ नुकसान बताए हैं। आप इसको बनाना है तो सबसे पहले आप क्या टाइटल देंगे, टेलीविजन। सबसे पहला टाइटल क्या हो गया, टेलीविजन, ठीक है ना, इफेक्ट यानी टेलीविजन का प्रभाव, ठीक है। नहीं तो टेलीविजन अकेला भी लिख सकते हो, उससे काम चल जाएगा, ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप ज्यादा जानते हैं तो इतना लिख सकते हो, नहीं तो टेलीविजन से काम चल जाएगा। अब सब टाइटल में क्या दे दिया, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ टेलीविजन। तो देखो बेटा, टेलीविजन का शॉर्ट फॉर्म टीवी लिख दिया हमने, तो ये एब्रिविएशन में यहाँ काम आ जाएगा। तो यहाँ पे अपन सबसे पहले क्या लिख देंगे कि टेलीविजन को हमने क्या लिख दिया भाई, टेलीविजन को हमने लिख दिया भाई टीवी, ठीक है। हाँ चलो, तो इसके फायदे क्या क्या हैं इसमें से ढूंढ दो पहले। तो देखो, इनक्रीज अवर नॉलेज, सबसे पहले तो यही लिखा है ना, फायदा मिल गया ना, तो यही लिख दो पहले, इनक्रीज अवर नॉलेज। के लिए देख लो बेटा, शॉर्ट फॉर्म यदि बनाना चाहो तो बना सकते हो। तो देखो, के एन ओ हटा दो, डब्ल्यू
ना, एल ई हटा दो, डी जी ई लगाना है तो लगा दो, नहीं तो यहीं तक खत्म कर दो। अब जो आपने ये जो लिखा है यहाँ पे बता दो भाई, के एन डब्लू सॉरी नॉलेज, नॉलेज को आपने क्या लिख दिया वो वहां से देख लो, के एन डब्लू एल डी जी, ठीक है ना। नहीं तो शॉर्टकट में दो या तीन लिख करके शब्द डॉट भी लगा सकते हो, जैसा आपसे बन जाए। फिर दूसरा फायदा, पर ये क्या कह रहे हैं, हु कांट ऑफन लीव द हाउस एज वेल एज पेशेंट इन हॉस्पिटल। देखो मरीजों का अस्पताल में भी टेलीविजन से क्या कुछ ना कुछ फायदा होता है, यानी मदद मिलती है। तो ये लिखा हु कांट ऑफन लीव द हाउस एज वेल एज पेशेंट इन हॉस्पिटल, तो ये लिखे हुई है लाइन, यही लिख दो। बस इसमें थोड़ी से अपना एक शब्द डाल सकते हैं, हेल्प। हेल्प किसकी, पेशेंट इन हॉस्पिटल, पेशेंट इन हॉस्पिटल। हॉस्पिटल को भी शॉर्टकट में लिखना है, दो नहीं लिखना है तो ऐसे ही कर दो, हॉस्पिटल्स, ठीक है। अब फिर से सब टाइटल डालेंगे तो सब टाइटल में आप क्या देख रहे हैं, ऑन द अदर हैंड यानी दूसरे रूम में बताया, देयर आर सेवरल सीरियस डिसएडवांटेजेस यानी कि नुकसान, तो ये यहाँ पे डालिए डिस एडवांटेजेस ऑफ टीवी, ठीक है। ये डाला, अब इसमें अपन को है ना दो बताना है, तो क्या है भाई, पीपल वॉच टेलीविजन फॉर एन एवरेज ऑफ 6 आवर, लोग कम से कम टीवी को 6 घंटा या इससे ज्यादा भी देखते हैं एक दिन में। अब देखो सबसे ज्यादा तो भाई समय इसी में बर्बाद हो रहा है, तो पहला पॉइंट तो दे हुए बन गया है ना, पीपल वॉच टीवी टू मच, ठीक है। या फिर आप शॉर्टकट में करना है तो शॉर्टकट में भी लिख सकते हो, इतने में भी काम चल जाएगा। और उसके बाद आप क्या देख रहे हो, उसके बाद देख रहे हैं मैनी चिल्ड्रन, बच्चे भी जो करते हैं स्टियर यानी घूरते रहते हैं या देखते रहते हैं टेलीविजन को, ठीक है ना। मोर आवर्स यानी को बहुत ज्यादा, ईस्ट यानी हर दिन, तो इसको भी अपन ये कर सकते हैं, किसको, चिल्ड्रन को अपन शॉर्ट फॉर्म में क्या कर देंगे, चाइल्ड, और ये डॉट लगा देंगे, ठीक है। यही कि यही लाइन उतार दो, वॉच टीवी टू मच, ठीक है। अब इससे ज्यादा इसमें लिखने के लिए और कोई है नहीं है, तो ये टाइटल हम नहीं बना सकते क्योंकि भाई बड़ा आपका है तो हम ज्यादा लिखेंगे, और नहीं है तो इतने में ही हमारा काम चल दिया, तो इससे ज्यादा हमें लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आपने क्या किया बेटा, ये लिखा था तो यहाँ लिख दीजिए कि भाई हमने चिल्ड्रन को क्या लिख दिया, चाइल्ड लिख दिया, ठीक है ना। एक और शब्द ढूंढ लो कोई सा, ये आपका इंक्रीज के लिए करना है तो इंक्रीज को भी शॉर्टकट में लिख सकते हो, और किसको बना दे भाई, बाकी बना हुआ है 3 ही बिंदु आ रहे हैं, एक और आप ढूंढ सकते हैं। तो हमें तो यही लग रहा है कि इंक्रीज को शॉर्टकट में, यहां मैं बता दे रहा हूं, इंक्रीज कितना लिख सकते हो, इंक्रीज अवर नॉलेज, तो ये भी आप यहाँ बता दें कि आई इंक्रीज को हमने क्या बना दिया, आई एन सी, या फिर वही जो हमने अभी क्या बताया था, इसके स्वरों को अलग कर दे, यानी कि क्या होते हैं स्वर इंग्लिश के, ए ई आई ओ यू, इनको आप अलग कर दे, ठीक है। तो ये देख लीजिए बेटा तो बहुत ही सरल है, कोई कठिन नहीं होती है ना। अब आपके लिए एक और चीज है कि इसका एब्स्ट्रैक्ट आता है लिखने के लिए, एब्स्ट्रैक्ट को बोलते हैं समरी, ठीक है ना। दो चीजें पूछी जाती हैं, यहां लिख रहा हूं मैं एब्स्ट्रैक्ट लिखिए या फिर समरी लिखिए। अब इसमें क्या करना है, तो बेटा
ये जो आपने पॉइंट बनाए थे इन्हीं का फुल फॉर्म में लिख करके यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। इन्हीं का पूरा फुल फॉर्म में लिख करके यहाँ पे लिख दीजिए, जी आपकी क्या बन जाएंगी, एब्स्ट्रैक्ट या समरी, ठीक है ना। तो ये 7 नंबर का जरूर पूछा जाता है और आना ही है, और इस प्रकार से आपको बनाना है। यदि इसके बाद भी आपको कोई दिक्कत होती है, कठिनाई लगती है, तो मुझसे कांटेक्ट करें या मुझे कमेंट में लिखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।